Hello viewers, this video is about the Microbial Assay of Antibiotics. You are watching this video on my YouTube channel Pharma Academy. Subscribe the channel to get notifications about the new pharma related videos. So let's start with the video. Microbial Assay is a method to determine the quantity or the concentration of any antimicrobial agent and to establish the relation between concentration and antimicrobial activity. Means, किसी भी antimicrobial agent का quantitative estimation करना और उस quantity को correlate करना किसी भी antimicrobial agent की concentration और उसकी activity से. Microbial assay of any antibiotic can be performed by two methods as per Indian pharmacopoeia. फर्स्ट वन इज सिलेंडर प्लेट मेथड या जिसे कप प्लेट मेथड भी कहा जाता है और दूसरा मेथड है टर्बिडीमेट्रिक या ट्यूब एसे मेथड. पहले हम दोनों मेथड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखेंगे फिर इन दोनों मेथड्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. सिलेंडर प्लेट मेथड या कप प्लेट मेथड बेस्ड होता है डिफ्यूजन मैकेनिज्म पर जिसमें कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट डिफ्यूज होता है सॉलिडिफाइड अगर मीडियम में जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और जब यह एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अगर मीडियम में डिफ्यूज होकर अपनी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी या एफिकेसी को शो करता है तो उस एक्टिविटी या उसकी इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग पेट्री डिश में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स किल हो जाते हैं और जिस डिस्टेंस तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं वहाँ तक जो मीडिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है. इस एरिया को कहा जाता है जोन ऑफ इनहिबिशन और इसी जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर करके एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है किसी अननोन सैंपल में. दूसरा मेथड है टर्बिडीमेट्रिक मेथड. टर्बिडीमेट्रिक मेथड में लिक्विड कल्चर मीडिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो लिया जाता है और जब इसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट मिलाया जाता है या ऐड किया जाता है तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपनी कंसंट्रेशन और पोटेंसी के अकॉर्डिंग बैक्टीरियल सेल्स को किल करता है और ये चेंज यानी चेंज इन द नंबर ऑफ माइक्रोबियल सेल मेजर कर लिया जाता है बाय मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ कल्चर मीडिया बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर because turbidity is directly proportional to the number of bacterial cells. यानि कि अगर किसी culture media में bacterial cell हैं और किसी antibiotic की वजह से वो cells kill हो रही हैं तो उन जो sample है उसकी turbidity reduce होगी और उस turbidity में जो reduction आएगा उसको measure करके इसे correlate किया जाता है antibiotic की concentration से. माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रिपरेशंस को प्रिपेयर किया जाता है और ये प्रिपरेशंस होती हैं प्रिपरेशन ऑफ अगर प्लेट, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन ऑफ अननोन एंटीबायोटिक या जिसे टेस्ट एंटीबायोटिक भी कहा जाता है. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया. इंडियन फार्माकोपिया में कुछ कल्चर मीडिया स्पेसिफाई किए गए हैं फॉर एंटी माइक्रोबियल एसे. पर्टिकुलर कंसंट्रेशंस में इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर वॉल्यूम मेकअप किया जाता है और आफ्टर प्रिपरेशन जो मीडिया है उसका पीएच एडजस्ट किया जाता है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड या और 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. बफर सॉल्यूशन. बफर सॉल्यूशंस ऐड किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द चेंज इन द पीएच ऑफ कल्चर मीडिया. इसके लिए डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट को वाटर में ऐड करके 8 मोलर फॉस्फोरिक एसिड और 10 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पीएच को एडजस्ट किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ अननोन सैंपल सॉल्यूशन. वो टेस्ट एंटीबायोटिक जिसका हमें ऐसे करना है उसका अप्रोक्सीमेट सिमिलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके प्रिपेयर किया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन. इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक लिया जाता है जिसे
एक्यूरेटली वे करके स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं और एक फिक्स क्वांटिटी का स्टॉक सॉल्यूशन बनाकर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, और जब टेस्ट या ऐसे परफॉर्म करना है तब इस स्टॉक सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं और अलग अलग डाइल्यूशंस के स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। नाउ वी कम टू टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ऑफिशियली एज पर इंडियन फार्माकोपिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स स्पेसिफाई किए गए हैं कि किस एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द स्टडी। एज यू कैन सी इन दिस टेबल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को उनके ATCC नंबर यानी अमेरिकन टाइप कल्चर कलेक्शन नंबर से डिनोट करते हैं। देयर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड द एंटीबायोटिक दिस कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर द पर्टिकुलर माइक्रोबियल एसे। प्रिपरेशन ऑफ अगर प्लेट्स फॉर कप प्लेट या सिलेंडर प्लेट मेथड। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए डबल लेयर्ड प्लेट्स, जो अगर प्लेट्स होती हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। डबल लेयर प्लेट्स को प्रिपेयर करने के लिए पेट्री डिश में पहले विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला अगर उसकी लेयर बनाई जाती है और फिर इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाई जाती है अगर की, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। इस सेकेंड लेयर की जो थिकनेस है ये अराउंड 4 मिलीमीटर होती है। इस दूसरी लेयर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 40-50 डिग्री सेल्सियस पर अगर मीडियम में ऐड किया जाता है और फिर फर्स्ट लेयर के ऊपर इस सेकेंड लेयर को स्प्रेड करते हैं यूनिफॉर्मली और इसको सॉलिडिफाई किया जाता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अगर प्लेट्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सीडेड हैं, उनको ऐसे टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं जिन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ना डेथ हो और ना ही उनकी ग्रोथ हो। तो इस तरीके से अगर प्लेट्स बनाने के बाद उनको स्टोर कर लेते हैं और एट द टाइम ऑफ एसे उनको यूज़ किया जाता है। नाउ वी कम टू द टेस्ट प्रोसीजर फॉर सिलेंडर प्लेट मेथड। सिलेंडर प्लेट मेथड को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले अगर मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट हैं, वो प्लेट्स तैयार कर ली जाती हैं। उन प्लेट्स को तैयार करने के बाद जो टेस्ट एंटीबायोटिक है उसको उन माइक्रोबियल सेल से सीडेड अगर मीडियम के ऊपर इनोकुलेट किया जाता है। अगर प्लेट में एंटीबायोटिक का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको ऐड करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला है बाय मेकिंग होल्स इन द अगर प्लेट। दूसरा मेथड है बाय पुटिंग ए मेटल सिलेंडर ओवर अगर प्लेट इन विच एंटीबायोटिक सॉल्यूशन कैन फिल। और तीसरा मेथड है जिसमें किसी पेपर डिस्क को एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में डिप करके अगर लेयर के ऊपर रख दिया जाता है। इनमें से कोई सा भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम दीज। सिलेंडर प्लेट मेथड को परफॉर्म करने के लिए 12 पेट्री डिश लेते हैं जिनमें अगर मीडिया विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिडिफाइड है। इन 12 पेट्री डिश के 4 बैच बनाते हैं, यानी 3 पेट्री डिश का एक बैच, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। हर एक पेट्री डिश के कल्चर मीडिया में 6 होल बनाए जाते हैं, यानी 12 पेट्री डिश में टोटल 72 होल्स। पेट्री डिश रेडी करने के बाद स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक का स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं और उसके 5 अलग अलग कंसंट्रेशंस के 5 डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, लाइक S1, S2, S3, S4 एंड S5। इनमें से S3 को मीडियन डाइल्यूशन की तरह यूज़ करते हैं। अब सेट ए की 3 पेट्री डिश लेते हैं। हर पेट्री डिश जिसके कल्चर मीडिया में 6 होल्स बनाए गए हैं, इन 6 होल्स में से अल्टरनेट होल्स में मीडियम डाइल्यूशन यानी कि S3 सॉल्यूशन फिल करेंगे, जबकि इसी पेट्री डिश के रिमेनिंग 3 होल्स में फर्स्ट डाइल्यूशन यानी कि S1 सॉल्यूशन फिल करेंगे। इसी तरह सेट बी की ईच पेट्री डिश के 3 होल्स में S3 डाइल्यूशन और रिमेनिंग 3 होल्स में S2 डाइल्यूशन फिल किया जाएगा। सेम सेट सी की ईच पेट्री डिश के 3 अल्टरनेट होल्स में S3 डाइल्यूशन ऐड करेंगे और बचे हुए 3 होल्स में S4 डाइल्यूशन को फिल करेंगे।
और सेट डी की तीनों पेट्री डिश के ईच पेट्री डिश के 6 होल में तीन अल्टरनेट होल में S3 डाइल्यूशन फिल किया जाएगा और रिमेनिंग 3 होल्स में S5 डाइल्यूशन फिल किया जाएगा। इसे हम एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ हमने 12 पेट्री डिश ली हैं और तीन तीन पेट्री डिश का एक सेट बनाया है। हर पेट्री डिश के कल्चर मीडिया में 6 होल्स क्रिएट किए हैं। स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के 5 डाइल्यूशन प्रिपेयर किए हैं S1, S2, S3, S4 एंड S5। यहाँ S3 इज मीडियन कंसंट्रेशन डाइल्यूशन सिलेक्ट किया है। इन डाइल्यूशंस को अलग अलग कलर से दिखाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले सेट ए को देखते हैं। हर पेट्री डिश के तीन अल्टरनेट होल्स में S3 सॉल्यूशन फिल किया है और रिमेनिंग 3 होल्स में S1 डाइल्यूशन फिल किया है। सेट बी में 3 होल्स में S3 सॉल्यूशन ऐड किया है, रिमेनिंग में S2 डाइल्यूशन फिल किया है। सेट सी में 3 होल्स में S3 डाइल्यूशन फिल किया है और रिमेनिंग होल्स में S4 डाइल्यूशन फिल किया है। इसी तरह सेट डी में अल्टरनेट 3 होल्स में S3 सॉल्यूशन फिल किया है और रिमेनिंग होल्स में S5 डाइल्यूशन फिल किया है। 18 आवर्स इंक्यूबेशन के बाद इन पेट्री डिशेज में जोन ऑफ इनहिबिशन फॉर्म होगा और इस जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर करके इनकी एवरेज जोन ऑफ इनहिबिशन डायमीटर को कैलकुलेट कर लिया जाता है। एवरेज जोन ऑफ इनहिबिशन कैलकुलेशन करने के बाद दो वैल्यू और कैलकुलेट की जाती हैं, एल एंड एच। एल है कैलकुलेटेड जोन डायमीटर ऑफ लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कर्व लाइन, जबकि एच है कैलकुलेटेड जोन डायमीटर ऑफ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कर्व लाइन। सी है एवरेज डायमीटर ऑफ डाइल्यूशन S3 और ए बी डी और ई हैं जोन डायमीटर ऑफ डाइल्यूशन S1, S2, S4 एंड S5। इस तरह स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अननोन सैंपल ऑफ एंटीबायोटिक की भी एवरेज जोन ऑफ इनहिबिशन डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। अब इन सभी कैलकुलेटेड वैल्यूज से अननोन सैंपल में प्रेजेंट एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। एक ग्राफ प्रिपेयर किया जा रहा है। इस एक्सिस पर कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस डाइल्यूशंस लाइक कंसंट्रेशन ऑफ S1, S2, S3, S4 एंड S5। वाई एक्सिस पर जोन ऑफ इनहिबिशन की डायमीटर इन mm। अब मान लीजिए सपोज हमने डिफरेंट डाइल्यूशंस के लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन लिया और उनके जो एवरेज जोन ऑफ इनहिबिशन डायमीटर आई वो मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 मिलीमीटर। तो ग्राफ में वैल्यूज पुट करने पर एक लाइन क्रिएट होगी जिसमें लोएस्ट पॉइंट L और हाईएस्ट पॉइंट H की वैल्यू भी पुट की जाएंगी जो हमने कैलकुलेट की हैं। इसके बाद हम इसमें अननोन सैंपल की जोन ऑफ इनहिबिशन की जो डायमीटर है उसको वाई एक्सिस पर पुट करेंगे और इसे एक्स एक्सिस पर एक्सट्रापोलेट करेंगे। एक्स एक्सिस की जिस कंसंट्रेशन पर लाइन इंटरसेप्ट करेगी वह अननोन सैंपल में प्रेजेंट एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन होगी। तो इस तरह हम किसी सैंपल में प्रेजेंट एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन को स्टैंडर्ड ग्राफ की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू सेकंड मेथड, दैट इज टर्बिडीमेट्रिक और ट्यूब एसे मेथड। इस मेथड में भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के 5 डाइल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं जिनमें से एक कंसंट्रेशन S3 सिलेक्ट करते हैं एज मीडियन कंसंट्रेशन। 10 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दो दो टेस्ट ट्यूब के 5 सेट बनाते हैं। हर सेट की दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग 1 ml स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन प्लस 9 ml कल्चर मीडिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऐड करते हैं।
इन ट्यूब्स को 3 to 4 आवर्स के लिए एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर वाटर बाथ में रखते हैं। इनक्यूबेशन के बाद हर टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml डाइल्यूट फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या नंबर ऑफ सेल्स मेज़र की जाती हैं बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और ये मेज़र किया जाता है इन टर्म्स टर्बिडिटी। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू सैंपल को 530 नैनोमीटर पर स्कैन करते हैं और जो एब्जॉर्बेंस आती है उसका एवरेज निकालते हैं और स्टैंडर्ड ग्राफ प्रिपेयर करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ द वेरियस डाइल्यूशंस ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक सॉल्यूशन एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एब्जॉर्बेंस। जब किसी अननोन सैंपल में एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन पता करनी होती है तो उस अननोन एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन का 1 ml उसमें ऐड करते हैं 9 ml माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ कल्चर मीडिया और सेम टेस्ट रिपीट करते हैं और एब्जॉर्बेंस को 530 nm पर मेज़र करते हैं, और जो एब्जॉर्बेंस आती है अननोन सैंपल की उस एब्जॉर्बेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लिया जाता है थ्रू स्टैंडर्ड कर्व, जैसा हमने पिछले मेथड में देखा। तो इस तरह से एब्जॉर्बेंस के थ्रू किसी अननोन सैंपल में जो एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसे डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो दीज आर द टू मेथड्स थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इन एनी सैंपल। And I hope you will like this video. Thanks for watching.